गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मोटो ब्रो VRS। अब बहुत दिन हो गया था यार, वीडियो भी नहीं डाला था, तो टुडे हम एक हॉट टॉपिक बारे में बात करेंगे। पहले तो थैंक्स ऑफ लॉट, मुझे इंटरसेप्टर मेरे जो लवी डाली, मैंने वीडियो डाली थी, इट गॉट ट्रिमेंडस लव, अराउंड 37,000 व्यूज होने वाले हैं एंड कमेंट्स मैक्सिमम अच्छे हैं, हमारे अच्छे थे, इंकरेजमेंट वाले थे, पॉजिटिवली थे, नेगेटिव था। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया था वो आया था ये लेके कि यार आप पीछे वाला तोला चेंज करवा लियो, आगे वाला क्यों नहीं करवाया हो। तो उसमें मैंने सबको रिप्लाई करता हूँ, तो मैंने यही बात बोला कि देखो जो मीटियोर वाला रियर अलॉय है इट वॉज अ डायरेक्ट फिट। अब डायरेक्ट फिट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट फिट का मतलब होता है तुम्हें कोई स्पेसर्स नहीं यूज़ करने हैं, तुम्हें कोई मॉड्स नहीं यूज़ करने हैं, तुम नॉर्मली लगा लिए और उसको डायरेक्ट फिट कर दिए। डायरेक्ट फिट का प्लस पॉइंट क्या होता है? एक तो ये खुद रॉयल इनफील्ड का सामान है, तो यस क्वालिटी आप ट्रस्ट कर सकते हो। और कभी भी जब हम साइकिल पार्ट्स बदलते हैं, जैसे अलॉय व्हील बदल रहे हैं या ब्रेक बदल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं में जुगाड़ या बहुत कि टाइम पास हो जाए, काम चल जाए वाला सामान से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट पैच जो हमारा गाड़ी को एक्चुअली जो हमारी गाड़ी को सपोर्ट कर रहा होता है ना, वो यार पहिए ही होते हैं, ब्रेक्स होते हैं। और उस चीज़ से अगर आप मजाक करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने बाइक से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एंड इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट नॉट अ गुड थिंग। तो डायरेक्ट फिट का मुझे सिर्फ ऑप्शन मिल रहा था मीटियोर में। मीटियोर में मैंने भाई लगा लिया कि चलो अलॉय लग गया है, टायर्स अपुल अल्फा लगवाया, इट वाज ट्रेमेंडस, जल्द ही इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आने वाला है। अब बात करते हैं फ्रंट की। फ्रंट में क्या था, मेरे पास ऑप्शंस नहीं बच रहे थे। अभी ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, मैं आप थंबनेल में आप देखना या मैं टाइटल जो डालूँगा कि हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि हंटर वाला क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन सेम हो जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हंटर लॉन्च होने वाली थी आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं, मेरे साथ एक और राइडर अविनाश, वो भी सेम सेटअप यूज़ करता है, हम दोनों काफ़ी एक्साइटेड इस चीज़ को लेके कि यार चलो एटलीस्ट हमें आखिरकार ये मिल ही गया मौका कि फ्रंट भी हमारा अलॉय हो जाएगा। तो जब हंटर आई तब हमने बात नोटिस किया कि नहीं यार नहीं लग सकता। अभी मैं यहाँ से आपके फॉरवर्ड क्लिप लगा रहा हूँ, आपने वो क्लिप देखना, क्लिप में आपको समझ में आएगा क्यों नहीं लगा सकते हैं हम हंटर का अलॉय, ठीक है? और तो आप एक बार देखो वो क्लिप, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने इंटरसेप्टर में अपने पीछे मीटियोर का अलॉय रन करा हूँ विथ अपोलो अल्फा 110, तो जब हंटर लॉन्च हुई थी तो मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि हंटर का अलॉय मेरे फ्रंट पे चला जाएगा, बिकॉज इट वॉज 17 प्लस डिज़ाइन सेम था और ये रही हंटर का अलॉय। अब जब हमने ट्राई किया तो ये डायट फिट नहीं है। रीज़न क्या है? एज यू कैन सी यहाँ पे जो अलॉय पे माउंट देख रहे हो ये डायरेक्ट माउंट है, तो इसके जो डिस्क के माउंट्स हैं दे सेपरेट एंड इट्स अ 300mm डिस्प्लेट। वही जब हम इंटरसेप्टर की बात करते हैं तो इट्स अ 320mm डिस्क, पहली चीज़। सेकेंड, दीज आर फ्लोटिंग डिस्क डिज़ाइन, आप देख सकते हैं ये डिस्क, ये फ्लोटिंग डिस्क डिज़ाइन कहलाता है। अब इसकी जो माउंटिंग पॉइंट्स है, इसकी माउंटिंग पॉइंट सेंटर बेस्ड है, हब बेस्ड है, ठीक, उसकी हब से काफ़ी सेंट्रिक दूरी है। तो अगर आप अलॉय व्हील चेंज भी करते हो तो आप ये वाले डिस्प्लेट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ जुगाड़ होगा मेकशिफ्ट प्लेट्स का कि हम यहाँ पे इसको वैसा कोई प्लेट बना के इसके पीछे फिट कर दे तो हो सकता है, लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ब्रेक जैसे आगे पार्ट्स वाली जैसी चीज़ों पे आप ये सब चीज़ ध्यान दो। बात करते हैं कैलिब्रेशन की, आप ये अलग ये भी नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि इसकी जो माउंटिंग ये 320mm के हिसाब से, जबकि इसकी जो माउंटिंग है वो 300 के हिसाब से, तो यस वहाँ भी इशू आएगा। इसकी कैलिपर साइज़ ज़्यादा बड़ी है, इसकी कैलिपर साइज़ ज़्यादा छोटी है। साइज डिफरेंस अगर आप देख सकते हैं तो दीज आर रनिंग 17s, इसके टायर विड्थ ज़्यादा है, इसके टायर की विड्थ कम है, लेकिन दीज आर 18 inch एंड दीज आर 17 inch। लेकिन जब रियर की बात करते हैं इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप, बट यस इंटरसेप्टर से इसका डिस्प्लेट का साइज़ ज़्यादा है, इसका कम है। तो वी हैव टू वेट फॉर द, इसका जब स्टॉक आ जाए तब हम कर पाएंगे, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। बाकी देख लो यार, हंटर डज लुक लाइक ए मिनी इंटरसेप्टर। तो जैसा कि आपने देखा फ्रंट अलॉय मीटियोर का, हंटर का और हमारे इंटरसेप्टर का,
क्लिप में आपने देखा होगा, जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो आ रहा था डिस्क माउंट का। जो अलॉय व्हील पे नॉर्मली डिस्क माउंट यूज़ होते हैं वो डायरेक्ट अलॉय फिट होते हैं, जैसे मैंने आपके क्लिप में दिखाया होगा, तो डायरेक्ट आपके ये अलॉय होता है, अलॉय सेंटर से मेरी फिंगर्स हैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फिटिंग होती है। वहीं ये जो यूज़ करती है रिम्स वाले, नॉर्मली जो तिल्ली वाले होते हैं वो हब बेस्ड यूज़ करते हैं। अब हब बेस्ड में भी हमारा जो डिस्क है डिज़ाइन है वो फ्लोटिंग डिस्क डिज़ाइन को कहते हैं, कि जो कैलिपर माउंट होते हैं एक तरह से दो जगह होते हैं सेंटर में, क्लिप में आपने देखा होगा, एक रिंग्स होते हैं। मेरे CBR में और इंटरसेप्टर दोनों ही फ्लोटिंग डिस्क डिज़ाइन यूज़ करते हैं। अब दिक्कत क्या है, यू कैंट बी डायरेक्ट माउंटेड, पहली बात। दूसरी चीज़, लेट से आप कहते हैं कि नहीं यार ठीक है हम हंटर का वो यूज़ कर लेते हैं प्लेट और हंटर्स का ही कैलिपर यूज़ कर लेते हैं। देखिए कंपनी ने ब्रेक, स्पेशली ब्रेक्स, कंपनी जो ब्रेक्स बनाती है ना वो बाइक के हिसाब से बनाती है। अब इसके जो डिस्क पैड्स आते हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, आई थिंक 2000 के फ्रंट आते हैं, किसे 2200 रुपये के रियर आते हैं। यस, रियर वाले महंगे आते हैं, और ब्रेम्बोज के होते हैं, इनके आप डिस्प्ले पे देखो इंटरसेप्टर के ब्रेम्बोज के लोगो होते हैं, तो कहीं ना कहीं यस क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, और होगी भी क्यों नहीं, एक 20 BHP मोटरसाइकिल को रोकने के लिए और एक 47-48 BHP की मोटरसाइकिल को रोकने के लिए तो ऑब्वियसली बात है ब्रेकिंग हार्डवेयर में काफ़ी चेंजेस होंगे। और देखो यार कहने के बेचारे इंटरसेप्टर साइड उन्होंने काफ़ी गलत किया है, वी डोंट गेट हैजार्ड लैंप, LED के नाम पे हमें वो छोटा पार्किंग लाइट मिलता है, और ये सब चीज़ें मिस हैं, अलॉय व्हील नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, वहीं इंजन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, ब्रेकिंग हार्डवेयर की बात करें, तो यस इंटरसेप्टर इज़ मच मच बेटर देन अदर रॉयल एनफील्ड बाइक्स। हाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है। अब हमारा जो सेविंग ग्रेस होगा, वो होगा आपका कुल मिला के जो अपकमिंग अलॉय व्हील्स हैं, काफ़ी स्पाई शॉट्स आ गए हैं ऑटो कार पे, जिग व्हील्स पे, पावर ड्रिफ्ट पे, कि दे आर गिविंग अस द न्यू अलॉय व्हील, उसकी टेस्टिंग चल रही है। एंड मोर ऑन ऑल नए रॉयल एनफील्ड वाले जो आ रही हैं 650 आ रही हैं उसमें अलॉय व्हील लगा रहा है। अब दो चीज़ हो सकता है, अगर जो स्टॉक जो आ रही है पार्ट ऑफ एसेसरीज आ रही हैं तो यस उस पर ब्रेक तो डायरेक्ट फिट होगा, 100% गारंटी, और क्योंकि वो एज अ स्पेयर पार्ट आएगा तो यस हम एक पीस खरीद सकते हैं। तो जैसे आप मेरे जैसे और भी जो बहुत लोग होंगे जो रियर में मेटियोर का अलॉय यूज़ कर रहे होंगे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आप सिंगल अलॉय ले सकते हो, यू हैव दो अलॉय व्हील लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ओके हम क्या करते हैं जो नई वाली 650 आ रही हैं उनके अलॉय लगा लें, यस अलॉय आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो कंपनी स्टॉक होगा तो हो सकता है कि उसका जो डिस्क प्लेट का जो सेटअप हो वो हमारे इंटरसेप्टर से डिफरेंट हो। कि नॉर्मली अब दो चीज़ें यार यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं जो अलॉय पे भी फ्लोटिंग डिस्क डिज़ाइन देती है जैसे CBR 250R, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम बाइक्स ऐसी हैं जो अलॉय व्हील पे सिर्फ आपको हाफ माउंट देती हैं। ओके स्कूल टाइम की छुट्टियाँ गई, नहीं मैं रैप बॉम्ब नहीं करूँगा, कोई मुझे वो नहीं चाहिए पब्लिक रिएक्शन, हम ठीक हैं, लोग मेरी बाइक को जावा समझते हैं, ठीक है थोड़ा सा दुख होता है लेकिन चल जाता है। कभी भी आप पब्लिक प्लेस पे अगर राइड कर रहे हैं इसमें फॉर अ बाइकर, स्पेशली अगर थोड़े से लाउड एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, तो प्लीज़ अवॉइड डूइंग रैप बॉम्ब्स एंड एवरीथिंग, आप बाइकिंग कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। और नॉट एवरी ओनर ऑफ अ गुड बाइक इज़ अ बाइकर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। लोग शौकिया भी खरीद लेते हैं कुछ लोग, क्या मैक्सिमम लोग, ठीक है, तो रिस्पेक्ट द रोड, रिस्पेक्ट द लॉ। जल्दी अलॉय व्हील का जो मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू आने वाला है, आई हैव डन अराउंड 1000 किलोमीटर्स, मोर देन 1000 किलोमीटर्स है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हाई स्पीड रेंस किए हैं, लीन मारे हैं, ट्राई टू व्हीली रोड लेंस मिला नहीं वैसा, उम्र भी हो गई है नहीं पाता, तो यस जल्दी लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगा। AW में रन कर रहा था विद DB किलर्स, ब्यूटीफुली साउंडिंग विद DB किलर्स, विदाउट DB किलर्स यार हल्ला ही मचाती है वो और नथिंग एल्स। यार गाड़ी ना खुद के लिए खरीदो, आवाज़ ना खुद को सुनाओ, अगर खुद को सुनाते हो तो बेटर, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला सेटअप था यार व्लॉगिंग का, नया माइक सेटअप किया था, होपफुली आवाज़ अच्छी आ रही हो, क्योंकि यार हर बार मेरा ना बेचारे ऑडियो को कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। तो ओके दिस इज़ मी विक्रम राज सिंह फ्रॉम मोटो ब्रो VRS साइनिंग ऑफ, और जल्दी हम फिर मिलते हैं नए वीडियो लेके, कोई नया टेक्निकल ज्ञान लेके। अगर कुछ वीडियो आप लगाओ कि हाँ
ये मैंने गलत बोला, दिस नीड्स इम्प्रूवमेंट, प्लीज़ लीव मी अ कमेंट, आई विल टेक एवरी कमेंट वेरी स्पॉटिंगली, कोई इशू नहीं है, और लेट्स मीट अगेन, ओके बाय।